तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक हो। तो कैसे देख सकते हो जो हमारा यहाँ में जो चार्ट खुला है किर्लोस्कर ब्रदर का खुला हुआ है, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसे स्टॉक जो गाइस बहुत दिन से एक रेंज में घूर रहा था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से बहुत दिन से एक रेंज में घूर रहा था। रिसेंटली क्या हुआ गाइस, ये ब्रेकआउट जो है हमारा एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ में इसे स्टॉक्स को मैंने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम के साथ में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक पे आप नज़र लग सकते हो, ठीक है, और इस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, मैं पूरा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। वो अच्छा वॉल्यूम के साथ में हुआ है। अब गाइस मैं बात करता हूँ एक और स्टॉक का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा एप्कोटेक्स का है, ठीक है, एप्कोटेक्स इंडस्ट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यह भी हमारा डेली टाइम फ्रेम पे है, और यहाँ पे भी गाइस आप सेम चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस बहुत दिन से एक रेंज में घूम रहा था, मैं आपको जूम करके था दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, टच करके वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर थोड़ा जा रहा है, फिर रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस पे टच किया, सस्टेन नहीं कर पाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया है और अच्छी वॉल्यूम के साथ में आया है। मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो गाइस 1 मिनट, देखो अच्छा ब्रेकआउट आया, अच्छा वॉल्यूम का साथ में, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस ये दो स्टॉक पे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए नज़र रख सकते हो, ठीक है। और पैसा लगाने से पहले गाइस आप खुद का एक बार रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ मेरा एडुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।